मिस नीरज ठाकर, आई एम फ्रॉम GMC दतिया। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि हमारी पिछली वीडियो GMCD कैंपस टूर के ऊपर थी, है ना, जिस पर काफ़ी लोगों ने कमेंट्स दी थी कि हमें हॉस्टल भी देखना है, रूम भी देखना है। तो मैं आपको इस वीडियो में हॉस्टल दिखाऊंगी, ओके। लेकिन आपने यदि पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उसे देख लीजिएगा, क्योंकि आप उस वीडियो को देखने के बाद ही, है ना, इसको अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे कि जो गर्ल्स हॉस्टल है वो कैंपस के अंदर कहाँ है और किस तरीके से है। क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट कैंपस को दिखाया है, ठीक है। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए, ओके। और अब ज़्यादा टाइम ना ख़राब करते हुए लेट्स स्टार्ट गर्ल्स हॉस्टल टूर। देखो, ये जो तुमको हॉस्टल दिख रहा है पहले, है ना, ये फर्स्ट हॉस्टल है जिसमें जो है जो भी न्यू बैच आता है वो रहता है। जैसे हम लोग आए थे तो हम इसी हॉस्टल में रहे थे, उनको सेपरेट रखा जाता है। जैसे 21 बैच आने वाला है तो वो भी इसी में रहेगा, ठीक है। अब आपको जो सामने जो हॉस्टल दिख रहा है, इसमें हमारे सुपर सीनियर मैम रहती हैं, 18 बैच की गर्ल्स रहती हैं, ठीक है। और देखो, हमारे जो तीन हॉस्टल हैं उनमें से एक जो हॉस्टल है वो थर्ड फ्लोर तक ही बना हुआ है, माने उसमें 3 मंजिल हैं, और जो दो हॉस्टल्स हैं वो 4 मंजिल तक बना हुआ है। अभी ये जो हॉस्टल तुम देख रहे हो, गर्ल्स इंटर्न एंड JR हॉस्टल, ठीक है, नाम दे दिया ऐसे ही, ठीक है। इसमें जो है हम लोग 19 बैच के, माने हमारे सुपर सीनियर नहीं, सीनियर रहते हैं और हम लोग रहते हैं साथ में, क्योंकि हमने ना बताया उसी हॉस्टल से जो है 15 दिन पहले ही हमने शिफ्ट किया था, ठीक है। और एक बात बताऊँ तुमको, ये हमारा ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, और ग्राउंड फ्लोर पे ही हमारा जो है मैस है। तो हम इस एंट्री गेट के बाद में हम सीधे चलेंगे कहाँ, अपने मैस में, ठीक है, जहाँ पे सारी गर्ल्स के लिए जो भी रहती हैं 18 बैच, 19 और 20, सबके लिए खाना एक ही जगह बनता है, है ना। तो 18 बैच के लिए खाना उनके हॉस्टल में पहुंचा दिया जाता है, और हमारे हॉस्टल में तो खैर नीचे यहाँ पे ये खाना बनता ही है, तो हम लोग यहाँ पे नीचे आके यहीं पे खाते हैं, है ना। ये जो आप देख रहे हो, ये टेबल्स डली हैं, ये टीवी भी लगी है, अभी डिस्क नहीं है, नहीं चलती है, बस यहीं लगी है, है ना। और ये जो है मैस वाले भैया खड़े हैं, ये आंटी जो है खाना बनाती हैं, यहीं पे सारा खाना बनता है। हाँ, काफ़ी साफ़ सफाई से थोड़ा बन ही जाता है, मतलब अब यार हॉस्टल का खाना तो तुम समझ लो कैसा ही रहता है, लेकिन फिर भी ठीक ही है, है ना। जब भी ख़राब होता है तो हम उन्हें डांट देते हैं, बोल देते हैं, जो कि हर जगह ये तो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले अपने फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे, ठीक है। और बताओ आप सब लोग कैसे हो? उम्मीद है कि मुझे आप सब लोग अच्छे होंगे। यार देखो, अभी कोविड का भी बहुत जो है पेशेंट सभी कम हुए हैं, लेकिन फिर से बोल रहे हैं यार कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना यार सेफ्टी रखिएगा, है ना, और ध्यान रखो। और प्लीज़ मन लगा के जो भी स्टूडेंट है जिनका अभी नहीं हुआ है ना, वो पढ़ाई करो, क्योंकि स्टार्ट कर दो। दिवाली भी गया है ना, अब दिसंबर शुरू हो गया है, है ना। अब देखो, ये हमारा जो है फर्स्ट फ्लोर है, जिसमें क्या कहते हैं, हमारा एक हॉल है जिसपे हम एक्सरसाइज वगैरह और काफ़ी चीज़ें, मतलब काफ़ी बड़ा है वो है, ठीक है। इधर देखो, ये जो है यहाँ पे हमारी 19 बैच की सीनियर्स मैम रहती हैं, है ना। ये ऐसे ही बालकनी है आगे। ये हमारा जो है रिक्रिएशन हॉल है ना, जिसमें ना जैसे मान लो किसी को एक्सरसाइज करना है, कुछ भी और जो भी है खेलना है, जो भी टेबल टेनिस वगैरह ना थी पहले, पर पता नहीं अब कहाँ चली गई, है ना। ये साइकिलिंग रखा है, तो जिन लोग मान लो मॉर्निंग में जैसे रूम में नहीं बनता, क्योंकि देखो रूम में दो लोग रहते हैं, तो मतलब तुम रूम में एक्सरसाइज नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर अदर तुम्हारी जो करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं वो तुम यहाँ पे आके कर सकते हो। जिसको डांस करने का शौक़ है वो डांस कर सकता है, जिसको जो भी करने का शौक़ है वो इसमें आके कर सकता है, ठीक है ना। अब हम, ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्लोर, ओके, है ना। अब देखो आगे हम चलेंगे सेकंड फ्लोर पे, जिस पे हमें क्या क्या मिलेगा। हमें 19 बैच की मैम रहती हैं, है ना, हम लोग नहीं रहते। 20 बैच हमारा जो है थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पर रहता है, ठीक है ना।
और सेकंड फ्लोर पे हमारा जो है वाटर कूलर लगा हुआ है, क्योंकि एक ही वाटर कूलर लगा हुआ है चारों फ्लोर के लिए। उसमें हमारे में था, लेकिन यहाँ पे पता नहीं ख़राब हो गया है, तो अभी हमें सेकंड फ्लोर पे पानी लेने के लिए आना पड़ता है ना। ये है हमारा सेकंड फ्लोर। इसमें भी आगे देखो एक ये मतलब ये चौक टाइप बोल सकते हैं, ठीक है। इसमें जो है इसमें भी बालकनी है ना। और सबके रूम में देखो यार, बालकनी सबके रूम में है ना। अभी मैं तुम्हें देखो हॉस्टल का टूर करा रही हूँ बस, है ना। इधर भी मैम रहती हैं, सेम साइड इधर भी ऐसा ही है, दोनों साइड से ऐसा ही है, ठीक है, है ना। अभी हम वहाँ चलेंगे जहाँ पे मतलब वाटर कूलर रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें ना मैं क्या बोल रही थी, भूल गई कि जो है हॉस्टल का तो ठीक है मैं टूर करा दूँगी। काफ़ी लोगों ने बोला था कि यार बॉयज हॉस्टल का जो है भी टूर हो जाएगा, दी कमेंट्स आए थे, तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल तुमको दिखा दिया जाएगा। क्योंकि देखो जो भी बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं उन्हें ये पता होना चाहिए कि मतलब यदि हम इस कॉलेज को ले रहे हैं तो आप अपनी पूरी रियलिटी में देखो कि हाँ आपको सही लगता है, बकाया और कोई कॉलेज ले लो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे ये सारी चीज़ से हमें कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी रहती हैं चीज़ें यार, फैसिलिटी पूरी नहीं देते तो किस मतलब का है लेने का, ठीक है ना। तो ये मैं रियल में दिखा रही हूँ, कुछ एडिटिंग नहीं कर रही हूँ, कुछ नहीं कर रही हूँ। ये देखो लकड़ियाँ पड़ी हुई हैं क्योंकि ये अभी न्यू बना हुआ है ना। देखो तो ये सारा सामान इधर उधर पड़ा हुआ है ना। अब हम चलेंगे कहाँ पे, हमारा थर्ड फ्लोर, ठीक है। अब देखो सारे फ्लोर जो है सेम तरीके से बने हुए हैं, है ना। तो मैं तुम्हें फोर्थ फ्लोर पर वॉशरूम वगैरह सारे फोर्थ फ्लोर पर दिखाऊँगी जिस पर मैं रहती हूँ, है ना। अभी हम चलेंगे थर्ड फ्लोर पर। और आप बताओ, देखो मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ इस वीडियो को जो है, और ख़ासकर मेरी उस वीडियो को जिसमें मैंने कहा बोला है कि 12th पास 2012 में 12th पास से लेकर 2020 में डॉक्टर बनने तक का सफ़र, प्लीज़ आप लोग सब उस वीडियो को शेयर करो उन सब लोगों को जिनका अभी सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनको मोटिवेशन मिले कि ऐसा नहीं है कि जिसको ज़्यादा टाइम हो गया वो सिलेक्ट नहीं हो सकता है ना, और या फिर कुछ नहीं कर सकता है ना। आप लगे रहो, अपनी मिस्टेक्स देखो, ज़रूर यार सक्सेस मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है कि सक्सेस नहीं मिले, ठीक है। अभी हम चलेंगे अपने फोर्थ फ्लोर पर, ओके। फोर्थ फ्लोर भी बिल्कुल वैसा ही है, देखो ये जो है हमारा फोर्थ फ्लोर है, और सामने ही हमारे इस पे भी बालकनी है, ओनली थर्ड फ्लोर पे बालकनी नहीं थी, क्योंकि हर फ्लोर पे आई थिंक बालकनी पता नहीं क्यों नहीं निकाली, लेकिन थर्ड पे नहीं थी। ये फोर्थ फ्लोर है, देखो इधर जो इधर साइड से ऐसा है, ठीक है। और सबके लास्ट में वॉशरूम से जो मैं तुम्हें एक साइड दिखाऊँगी, ये डस्टबिन रखा हुआ है सबका कॉमन, ठीक है। सब अपने अपने रूम में तो रखते ही हैं, है ना। ये जो है लिफ्ट लगा हुआ है ना। और इधर हमारा जो ये मेरा वाला साइड है, इस इधर मैं रहती हूँ, लास्ट से मेरा सेकंड रूम है, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन उन सबको जिनका हो गया है और ये कॉलेज अलॉट हो किसी को, तो प्लीज़ आके हम मिलना मेरे को ज़रूर, है ना। तुमको मैं ज़रूर यूट्यूब पे दिखाऊंगी कि हाँ इन्होंने मेरे को कमेंट किया और यहाँ तक जो है ना, तुम्हारे साथ मैं ज़रूर वीडियो बनाऊँगी। ये मेरा रूम है, ठीक है। लेकिन मैं रूम खोलने से पहले मैं आपको अपना इधर वॉशरूम दिखाती हूँ, क्योंकि देखो दोनों साइड हॉस्टल के वॉशरूम्स हैं, है ना। इनमें ना फोर लेट और फोर बाथ हैं, है ना। और ना मिरर भी लगा हुआ है, वॉश बेसिन है, और सेम बिल्कुल ऐसा ही जो है वॉशरूम जो है वो उधर की साइड है, ठीक है। और सारे जो फ्लोर हैं उन पे सेम टाइप से है। गीज़र भी लगा हुआ है, गीज़र अभी यार एक ही साइड लगा है ना, तो हम सारे लोग उधर से जो है पानी लेने के लिए जाते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा जो है विंडो व्यू है, यहाँ से ऐसा लगता है। देखो यार मैं तुम्हें ना यहाँ पे जो हॉस्टल का जो टूर करा रही हूँ बिल्कुल रियल में दिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं इसमें कुछ भी एडिट कर रही हूँ। क्योंकि ये देखो अभी 18 में ये ओपन हुआ था, इसमें अभी 3 बैच आए हुए हैं, तो अभी इतना डेवलप नहीं है ये, है ना, कि भाई बहुत सुंदर दिख रहा होगा जैसे बहुत पुराने कॉलेज हैं, उनमें पास में मार्केट हो, सब कुछ हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि अभी ये डेवलप हो रहा है ना। ये देखो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ, ये मेरा बालकनी व्यू है, मेरे रूम के जो बालकनी है उससे मुझे ऐसा दिखता है, मेरा इधर ट्रेन भी दिखती है और हाईवे भी है, ठीक है।
दोनों चीज़ों की आवाज़ आती है धमाधम, जिसमें पढ़ने में थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, बट अब हैबिट हो गई, क्योंकि शुरू शुरू में हम आए थे तो मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा था यार, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी पढ़ने में, बहुत इरीटेशन हो रही थी कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई करूँगी। लेकिन फिर अभी क्या है, धीरे धीरे अभी 15 दिन हो गए रहते रहते तो थोड़ा एडप्टेशन हो गया है कि हाँ ठीक है, काफ़ी अच्छा लगता है शाम के टाइम पे हमको। और तुमको ये वीडियो कैसा लगा, जो भी प्लीज़ जैसा भी लगा हो कमेंट्स करना, है ना। और मेरी वॉइस में और वीडियो क्वालिटी और वॉइस क्वालिटी में यदि कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करना ताकि मैं उसे इम्प्रूव कर सकूँ, वरना मुझे पता नहीं चल पा रहा। ओके, तो आपने गर्ल्स हॉस्टल देख लिया। और हाँ, यदि कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिए, अच्छा लगा बुरा लगा जो भी जैसी भी फीलिंग्स हो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और हाँ, पिछली वीडियो थी उसमें बॉयज़ हॉस्टल और रूम के लिए भी काफ़ी लोगों ने कमेंट्स किए थे, तो वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, है ना। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और जो भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स कर दीजिएगा, है ना, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, उस पर ज़रूर रिप्लाई करूँगी, है ना। और अगली वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय, टेक